25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस पैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस। किसान भाइयों, आपके बहुत सारे मैसेज मिले भाई साहब, आपने बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत सारे कमेंट्स किए व्हाट्सएप पे। मुझे बहुत मैसेज आए आपके कि भाई मुझे वो प्लॉट का देखना है कि क्या सिचुएशन है उसकी, जो आपने रिंग पिन मेथड से बुआई का बताया था मार्च महीने में। तो आप देख लीजिए, फाइनली मैंने वीडियो बना दिया है। और इसमें मैं आपको आज कोई भी हाइपोथेटिकल बात नहीं होगी, आपने जिसे देखा ही एक पिट में हमने 40 का जो आपको बताया था कि 40 गन्ने हमें लेने हैं, तो 40 किसी में हैं, किसी में 40 से ज़्यादा हैं, किसी में एक दो कम हैं, 38 39 हैं, ऐसे ही है, लेकिन एवरेज हमने 40 का लगभग रखा हुआ है। तो आज हम कोई भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे, हम पूरी कैलकुलेशन पे बात करेंगे और वो चीज़ बताएंगे आपको जो यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताई है, क्योंकि कोई भी प्लानिंग के थ्रू खेती करना आपको नहीं बताता है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एक प्लानिंग के थ्रू एक कैलकुलेटर तरीके से आपको कैसे खेती करनी है ताकि आप गन्ने से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी सामने आप वीडियो में बने रहिए, और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं उन्होंने पुरानी वीडियोज़ भी हमारी नहीं देखी है तो आप वीडियो में बने रहिए। काफ़ी चीज़ें मैं क्या क्या उसमें किया था उसमें कवर करने का कोशिश करूंगा कि पहले मैं बताऊं क्या क्या चीज़ें हमने की थी वहां पे। और फिर भी आप अगर पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये रिंग पिन मेथड द्वारा इसकी बुआई की गई थी, मार्च मंथ में की गई थी, और इसमें हमने लाइन से लाइन के बीच की दूरी 5 फीट रखी थी, और पिट से पिट यानी कि गड्ढे से गड्ढे के बीच की दूरी वो 4 फीट रखी गई थी। पिट की गहराई हमने 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा रखी थी, 1.25 फीट या 1.5 फीट आप मान सकते हैं, क्योंकि मकसद इसके पीछे यह था कि किसी भी कंडीशन में ये गहराई 1 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी चलेगी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा आप भी कि 1 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने जो 1 एकड़ में 2016 पिट टोटल हमें मिली थी, अब ये 1 एकड़ का मानक जो हमारे यहाँ होता है यूपी ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1 एकड़ में 4 बीघे होते हैं और 1 बीघे में 20 बिस्सा होता है, तो इस हिसाब से 1 एकड़, तो ये अलग अलग जगह पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो मैं इस यहाँ के मानक के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से हमें 2016 पिट 1 एकड़ में मिले थे, और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं यहाँ भी अगर लोग बात करें, क्योंकि वो खेत के आकार के ऊपर भी आपके डिपेंड करता है
किसी का चौकोर खेत होगा, किसी का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो वो फिर थोड़ा बहुत 20-25-30-50 या इसे कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ जो मुझे मिला 2016 पिट हमारे एक एकड़ में बनी। अब उस हर एक पिट में हमारा जो एक कैलकुलेशन हमने तैयार किया था कि हमें हर एक पिट से 40 गन्ने चाहिए, 40 गन्ने ही हमने क्यों चूज किए ये भी आप पूछेंगे। तो इसका सीधा सा मकसद है कि हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि वो गन्ने बहुत ज़्यादा हो जाएं, कि वो इस तरह से एक सरपत आपने देखे होंगे जिनसे छप्पर छाए जाते हैं, तो उस तरह का रूप ले लें कि पतले पतले ढेर सारे हो गए, वैसा भी हमें नहीं चाहिए। और इतना भी कम नहीं चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन ना सही बैठे, क्योंकि हमें इस हिसाब से उतना प्रोडक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो एक एकड़ में एक पिट से हमें 40 गन्ने चाहिए। आप देख लीजिए कैलकुलेशन, यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं, तो आप काउंटिंग देख सकते हैं, किसी में 40 से ज़्यादा हैं, किसी में 40 से कम भी, एक दो कम हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें एवरेज जो 40 का हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका, कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कैलकुलेटर तरीके से खेती करते हैं और एक प्लान के थ्रू करते हैं कि हमें चाहिए क्या, हम उसके हिसाब से एक प्लान बना के उस पर काम करेंगे। तो वही कैलकुलेशन मैं आपको आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमें टोटल पिट जो मिले हैं वो हैं 2016, तो हमारे पास पिट कितनी है 2016, एक पिट में हमने गन्ने कितने लेने हैं 40। ठीक है, अब टोटल गन्ने कितने होंगे इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, टोटल गन्ने कितने हो जाएंगे हमारे 2016 से आप 40 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए 80,640। ये हमारे टोटल कितने, इतने गन्ने हमारे टोटल होंगे एक एकड़ में। ठीक है, अब इनका अगर हम वेट देखें कितना हो जाएगा, 2 kg के हिसाब से इनका वेट देख लीजिए आप, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 161,280, 161,280 kg ये वेट हो गया टोटल। अब इसको आप क्विंटल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्विंटल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपने डिवाइड किया कितना हो गया 1612। ठीक है, तो ये हमारे 1612 क्विंटल हो गए। ठीक है, तो यानी कि 1612 क्विंटल हमें एक एकड़ में, जो हमने बताया था 1600 क्विंटल हमें लेने हैं। तो ये मैंने आपके सामने पूरी की पूरी कैलकुलेशन समझा दी है। अब हमारा फाइनल जो रिजल्ट है, जो हमारे फाइनल प्रोडक्शन है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि हम कितना एक्यूरेटली इस कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वो जो दो फैक्टर हैं जिन पे हमारा उत्पादन सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है गन्नों की संख्या और दूसरा है गन्ने का वजन। ये दो फैक्टर अगर आपने कंट्रोल में ले लिए अपने, तो आपका प्रोडक्शन आपके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए, अगर आप पहली बार खेती कर रहे हैं, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं, किसी वजह से आपके गन्ने की संख्या कम हो गई, तो आप उसको, आपके सामने वो नज़र आएगा, आप उसको सुधार सकते हैं। अगर नहीं भी सुधार सकते हैं तो आप दूसरे फैक्टर पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, आप गन्ने का वज़न बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आपका प्रोडक्शन फिर भी मेंटेन हो जाएगा। यही फ़ायदा होता है जब आप कैलकुलेटेड तरीके से खेती करते हैं। जब आप ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने बुआई कर दी, फिर आप आँख बंद करके खाद दे रहे हो, आँख बंद करके आप दवाएँ डाल रहे हो कुछ भी, और आपको पता नहीं होता कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, या इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप इवन कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आपके खेत में कितने गन्ने हैं, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, ये फ़र्क होता है। तो मैं भी कह दूँगा आपसे कि आप टेक्निकल खेती से जुड़ो, ठीक है, आप कैलकुलेटेड तरीके से खेती करो, जिससे आपका उत्पादन आपके कंट्रोल में रहे। आप डिसाइड करो कि मुझे कितना उत्पादन चाहिए और मैं इस तरह से काम करूँगा, और मुझे कहाँ कहाँ कमियाँ हैं वो मुझे नज़र आनी चाहिए। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। मैं आपको इसी तरह की खेती के बारे में बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी वीडियो मैं अभी डालूंगा,
आगे आने वाले टाइम में किसका क्या ग्रो हो रहा है, किस तरह की ग्रोथ है और इसका फाइनल रिजल्ट कैसे कैसा रहा जिस पे हम काम करेंगे, और हमने क्या क्या चीज़ें की इस दौरान, वो सारी चीज़ें वीडियो में बताता रहूँगा आपको, वीडियो टाइम में डालता रहूँगा। तो आपको बस इतना करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन